डायरेक्टर एंड कट प्रोडक्शन हाउस के मालिक और पॉपुलर प्रोड्यूसर में से एक राजन शाह है, जिनके टीवी शोज का फैंस बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। ऐसे में राजन शाह के यूं तो स्टार प्लस पर एक से बढ़कर एक टीवी शो लॉन्च हो रहे हैं, जो टीआरपी में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में राजन शाह का एक और रोमांटिक ड्रामा टीवी शो लॉन्च होने वाला है, जिसका नाम है एक प्रेम कहानी, जो स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होगा। वैसे तो स्टार प्लस पर और दो टीवी शोज ऑन एयर हुए हैं ऑलरेडी राजन शाही के। पहला है अनुपमा और दूसरा है ये रिश्ता क्या कहलाता है। और बात की जाए उनके तीसरे टीवी शोज की, तो एक प्रेम कहानी में मेन लीड एक्टर के तौर पर जिनका नाम पहले ही फिक्स हो चुका है, वो है टीवी एक्टर शिवम खजूरिया, जो कि इस टीवी शो में मेन लीड एक्टर्स की भूमिका निभाते हुए आप सभी दर्शकों के बीच में नजर आने वाले हैं। वहीं काफी लंबे अरसे से इंतजार था कि इनके अपोजिट कौन सी टीवी अदाकारा नजर आने वाली हैं, तो ऑलमोस्ट कंफर्म बताई जा रही हैं पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस हैं आयशा सिंह। जी हाँ दोस्तों, आयशा सिंह भी टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्रियों में से एक हैं, और इसी को देखते हुए यहाँ पर राजन शाही ने इन्हें अप्रोच किया है। और सब कुछ ठीक रहा तो शिवम खजूरिया के साथ में आयशा सिंह की जोड़ी नजर आ सकती है। इससे पहले बात की जाए तो शिवम खजूरिया ये रिश्ता क्या कहलाता है में नजर आया करते थे, लेकिन उन्होंने इस टीवी शो को क्यूट कर दिया राजन शाही के कहने पर। और आयशा सिंह की बात की जाए तो वो इससे पहले पॉपुलर टीवी शो गुम है किसी के प्यार के में सभी का किरदार निभाया करती थी, और उसके बाद काफ़ी लंबे अरसे से टेलीविज़न इंडस्ट्री की दुनिया से दूरी बनाकर रखी रही, लेकिन उन्हें एक अच्छे प्रोजेक्ट का इंतज़ार था और अब जाके उनकी ये मुराद पूरी हुई है। राजन शाही के साथ नज़र आने वाली हैं। आप सभी दर्शकों को कितना इंतज़ार रहेगा एक प्रेम कहानी में शिवम और आयशा की जोड़ी को देखने के लिए।